हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन MNS एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्टैटिक JK जो लूसन कर रहे थे उसका टॉपिक 7 करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम एब्रीविएशन या अल्टरनेटिव नेम देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स थे उनके। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आई कैन एश्योर यू दिस चैनल विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन योर MNS प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। सो यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम दिए हुए हैं एंड यहाँ पे ओरिजिनल नेम दिए हुए हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के या जिनके भी वो अल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। फर्स्ट वन इज आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है टी प्रकाशम को। अब टी प्रकाशम कौन थे, उनको आंध्र केसरी क्यों बोला जाता है? सो टी प्रकाशम वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, ही वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर। इन्होंने बुक भी लिखी हुई है, प्लस ये चीफ मिनिस्टर थे न्यू आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश आपको पता है अलग हुआ था मद्रास से, तो जब आंध्र प्रदेश बना था तो ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है द जर्नी ऑफ माय लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है। ओके, नेक्स्ट इज अन्ना। अन्ना किसका एब्रीविएटिव नेम था? CN अन्ना दुरई। CN अन्ना दुरई कौन थे? ये फॉर्मर CM थे तमिलनाडु के, ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम भी अन्ना ही था। इन्होंने एक बुक लिखी थी उसका नाम भी अन्ना था। इनके नाम में भी अन्ना आ रहा है तो वहाँ से आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ बाबा साहब। ये सबको पता होगा, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ऑल्सो नोन एज BR अम्बेडकर। इनको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी स्टार्ट किए थे, दलित ब्राह्मण मूवमेंट, फिर सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन होता था अनटचेबिलिटी को लेके, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। इसको अगर बाबा साहब के नाम से ना आए तो आपको ऐसे भी आ सकता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोई कोई बच्चे इसको गलत कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ बादशाह खान। बादशाह खान के नाम से कौन जाना जाता था? अब्दुल गफार खान। इनके बारे में आपको पता ही होगा बिकॉज इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, राइट। और इनको एक और नाम से जाना जाता था विच इज़ फ्रंटियर गांधी। ये गांधी जी के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है। इनको फ़कीर ए अफ़गान भी बोला जाता था, ठीक है, फ़कीर ए अफ़गान। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया ऑफ नेशन, खान अब्दुल गफ़ार। ही वॉजेंट एन इंडियन, ठीक है। और इसके ऊपर यही क्वेश्चन आया था कि जो कौन से इसमें से इंडियन नहीं है जिनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न सुन के आपको लगता होगा कि नहीं, सिर्फ भारत के ही सिटीजन्स को मिलता है, बट ऐसा नहीं है, बाकी बाहर के लोगों को भी मिल चुका है। तो यही क्वेश्चन आया था इनके ऊपर। अगला है बापू या महात्मा गांधी। आप सबको पता होगा इनका फुल नेम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम। मैं कितना भी बोल दूँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर तो लंबे लंबे सेशंस हैं। ऑल्सो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है इनको। अगला है बेकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। बेकॉन ऑफ लाइट ऑफ एशिया ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनका फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर थे। काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है फ्रीडम की जो फाइट हुई थी उसमें। World War II जब चल रहा था, इंडिया को फ्री करवाने के लिए इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था। प्लस इनका जो अभी 23rd को होता है उसको पराक्रम दिवस के नाम से भी मनाया जा रहा है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये रिसेंट है, मे भी आ सकता है। नेक्स्ट इज चाचा। चाचा के नाम से किसको जाना जाता था? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट इज CR। CR तो सिर्फ एक दिया है, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। इनका फुल नेम था सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। ये कौन थे? ये भी फ्रीडम फाइटर थे, राइटर थे, एक्टिविस्ट थे। ओके, नेक्स्ट है दीन बंधु। ये है CF एंड्रयूज। ये एक फॉरेनर थे बट स्टिल इनको दीन बंधु का टाइटल दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया के फ्रीडम में काफ़ी हेल्प की थी। ये क्रिश्चियन मिशनरी थे, ठीक है, एजुकेटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ये गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के फ्रेंड थे। और जैसे आपको पता है काफ़ी सारे जो अंग्रेज थे ज़्यादा वो कलकत्ता साइड में ही आए थे, तो ये वहीं पे इनकी डेथ भी हो गई थी। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है सबसे, तो इसको एक दो बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है, MNS नहीं लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में देखा है कि दीन बंधु के नाम से किसको जाना जाता था या दीन बंधु का टाइटल इनको किसने दिया था। सो दिस इज़ जवाहरलाल नेहरू एंड ये है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है देशबंधु। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दीन बंधु में एंड
देशबंधु में। तो देशबंधु बोला जाता है सी आर दास को। ये कौन थे? ऑब्वियसली एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ये भी एक लॉयर थे, फाउंडर थे स्वराज पार्टी के, ठीक है, फाउंडर लीडर थे ये स्वराज पार्टी के। नेक्स्ट है एनलाइटेंड वन, ठीक है, ये महात्मा बुद्धा को बोला जाता था, उनको एनलाइटमेंट मिली थी तो उनको एनलाइटेड वन बोला जाता था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बोलते थे लॉर्ड रिपन को। अगेन ही वॉज अ ब्रिटिश, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने काफ़ी सारे एक्ट लाए थे इंडिया में, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता था। नेक्स्ट इज फादर ऑफ नेशन, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया इंडिया के, ठीक है, फादर ऑफ नेशन इंडिया के महात्मा गांधी को बोला जाता था। फ्रंटियर गांधी, अगेन खान अब्दुल गफार खान, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये बोला जाता था दादा भाई नारोजी को। ये कौन थे? ये थे फाउंडर ऑफ INC और लंदन इंडियन सोसाइटी। ये दो जो चीज़ें थी इन्होंने फाउंड की थी इंडिया में। ऑल्सो इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। ये एक पॉलिटिकल लीडर थे, राइटर थे एंड मर्चेंट थे। नेक्स्ट इज गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता था। सो ये थे कोलकाता के, कोलकाता में ही बॉर्न हुए थे, कोलकाता में ही इनकी डेथ हो गई थी। बट ये इतने ज़्यादा, मतलब इन्होंने इतना योगदान दिया है कोलकाता की पूरी हिस्ट्री को और बंगाली आर्ट एंड कल्चर को पूरी तरीके से रीशेप किया, ठीक है। ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ राइटर, प्ले राइटर, सोशल रिफॉर्मर, पेंटिंग्स इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं, कंपोज़र भी थे, ठीक है। कंपोज़र प्ले राइटर क्या होता है, मतलब प्ले लिखते थे, कंपोज़र गाने वगैरह बनाते थे, पोएट्रीज लिखते थे। नेक्स्ट इज इंडियन बिस्मार्क। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? ये ना फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इनकी अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी है, आपको पता होगा तो, और इनके नाम का एक स्टेडियम भी है और एयरपोर्ट भी है, जो हमने कल पढ़ा था। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया तो उसको देख लेना, ये 7th है ना, इससे पहले 6 और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज इंडियन आइंस्टाइन, ये बोला जाता था नागार्जुना को। अगला है इंडियन नेपोलियन, ये बोलते थे समुद्रगुप्त को। और इनको क्यों बोला जाता था इंडियन नेपोलियन? क्योंकि एक बुक है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें उस बुक में इनके बारे में ऐसे राइटअप्स हैं कि ही वॉज अ बैटल हीरो, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बैटल विन किए हैं, इसलिए इनका नाम ऐसे इंडियन नेपोलियन रख दिया गया। किसने रखा? हिस्टोरियन AV Smith ने। नाउ द इमेज, दिस इज महात्मा गांधी, आप सबको पता होगा। ये कौन है? ये है CF Andrews। ओके, नेक्स्ट इज JP या लोक नायक, तो ये बोला जाता था जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है लाल बाल पाल, ये प्रिटी फेमस है क्योंकि ये तीन लोगों के नाम का एब्रिविएशन है, ठीक है। वो तीन लोग कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक एंड पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो लाला लाजपत राय थे, ये कहाँ से थे? ही वॉज फ्रॉम पंजाब। एंड जो बाल गंगाधर तिलक है, ये महाराष्ट्र से थे। एंड बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये बंगाल से थे। लास्ट वन इज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये बोला जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। नाउ 3 क्वेश्चंस फॉर यू, आई विल टेल देयर ओरिजिनल नेम, आपको नीचे इनके एब्रिविएटिव नेम लिख के बताने हैं। ये है चित्तरंजन दास, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज दादा भाई नारोजी, ये हो गया सेकेंड। एंड दिस इज थर्ड वन, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको मुझे इनके जो भी निकनेम है वो नीचे कमेंट करके बताने हैं। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई होप आई गेट बेटर रिस्पॉन्स देन येस्टरडे। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू आर न्यू। ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।